नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। और आज मैं आपको अपने शहर से बाहर यानी अपने शहर से 11-12 किलोमीटर दूर आसनसोल के डंपिंग ग्राउंड जा रहा हूँ, जैसे कि आप लोगों को थंबनेल से पता लग ही गया होगा। और आज मैं आपको अपने डंपिंग ग्राउंड के डिस्पोजल के बारे में आपको मैं बताऊँगा। तो चलिए इंतज़ार करिए, हम राइड पर निकलते हैं और राइड को एंजॉय करते हैं और पहुंचते हैं अपने आसनसोल के डंपिंग ग्राउंड पर। साथियों, लीजिए हम पहुंच चुके हैं अपने आसनसोल के शहर से बाहर इस डंपिंग ग्राउंड पर, जहां आप देख रहे हैं मेरे पीछे और आगे यहां पहाड़ों का अंबार लगा हुआ है, यानी कचरे का अंबार लगा हुआ है। चारों तरफ आप देख रहे हैं प्लास्टिक कचरा जो हमारे घरों से निकलकर यहां पर वर्षों से पड़ा हुआ है। तो चलिए इस कचरे के बारे में मैं आपको अपने यहाँ के सुपरवाइजर दीपक सोलंकी से बात करूंगा कि इस कचरे का पहले क्या यूज होता था, अब इसका क्या डिस्पोजल हो रहा है। तो चलिए हम सोलंकी जी से बात करेंगे और वो हमें डिटेल्स में बताएंगे इस गार्बेज का डिस्पोजल। तो चलिए साथियों, हम मिलते हैं यहाँ के प्रोजेक्ट सुपरवाइजर मिस्टर दीपक सोलंकी जी से और वो हमको इस सारे प्रोजेक्ट के बारे में यहाँ पर डिटेल्स में बताएंगे। चलिए दीपक जी, आप इस थोड़े प्रोजेक्ट के बारे हमारे दर्शकों को बताइए। नमस्कार, मेरा नाम दीपक सिंह सोलंकी है, मैं आसनसोल दुर्गापुर में प्रोजेक्ट हेड में कार्यरत हूँ। हम जो ये यहाँ पर जो काम कर रहे हैं, लीगेसी वेस्ट मैनेजमेंट का काम कर रहे हैं। लीगेसी मीन्स होता है कि जो बहुत सालों से कचरा इकट्ठा करके डंप साइट बना दी जाती है। अब स्वच्छ भारत मिशन और निर्मल बांग्ला, इस मिशन के अंतर्गत हमें ये प्रोजेक्ट मिला हुआ है आसनसोल में काली पहाड़ी साइट का। तो हम यहाँ देख रहे हैं, हम तो यहाँ के रहने वाले, तो हम देख रहे हैं बरसों से ये जो पहाड़ जो लगे हुए हैं, ये बरसों से लगे हुए थे, इनका कोई भी यूजफुल प्रोडक्ट या कोई भी डिस्पोजल नहीं हो रहा है। तो अब इसका क्या हो रहा है? सर, हमने एक यहाँ पर पावर स्क्रीन लगाया हुआ है जो कि करीबन 90 से 100 टन पर आवर का स्पीड से वो सेग्रीगेट कर देता है पुराना लीगेसी वेस्ट को। उसके तीन पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है ई नट होता है जो 10 mm से ऊपर का जो मटेरियल रहता है, उसको आप मिट्टी भी बोल सकते हैं। उसमें कुछ पार्ट्स यानी इनऑर्गेनिक पार्ट्स रहते हैं जो कि नेवर डिकम्पोज्ड, वो लैंड फिलिंग के काम आता है। NHDI ने भी अप्रूव कर रखा है। जैसे प्लास्टिक, जैसे नहीं प्लास्टिक नहीं सर, उसमें प्लास्टिक हट जाता है। अच्छा। छोटा मोटा जो पार्ट रहता है। अच्छा। जो कि नेवर डिकम्पोज, यानी डिकम्पोज नहीं होता है। अच्छा। ऐसे भी आप देख रहे हैं, ये लीगेसी वेस्ट है, करीबन 20-25 साल से डंप हो रहा है यहाँ पर। जी हाँ। उसी को हम सेग्रीगेट कर इनर्ट, गुड अर्थ और प्लस RDF, तीन पार्ट में सेग्रीगेशन कर देते हैं जी। RDF का जो पार्ट रहता है वो 30 mm से अबोव वाला रहता है, उसमें प्लास्टिक और जो लकड़ी टहनी या जो रहता है वो आता है, वो एक फ्यूल के रूप में काम आता है। और जैसा आप देख रहे हैं, ये जो हमने सेग्रीगेट करके, ये हमारा RDF का सेग्रीगेट किया हुआ है। ओके। और ये जो है, ये इसको इनर्ट बोलते हैं, इसको इनर्ट बोलते हैं, इनर्ट बोलते हैं। ओके। लैंड फिलिंग में काम आता है, लो लैंड एरिया को ऊपर करता है। अच्छा, तो हमारा ये लैंड फिलिंग के काम आ जाता है। हाँ जी, ठीक है। और ओके, एक पार्ट आता है गुड अर्थ। अच्छा, गुड अर्थ वो सर सामने है, वो जो हमारी वो ब्लैक रंग की है। हाँ, अच्छा, वो उसको यानी क्रॉप में वो काम आता है। okay. अच्छा खाद है हमारा, जो हमने टेस्टिंग रिपोर्ट भी डाली NABL लैब से,
वहाँ से टेस्टेड है ये और करीबन है ना 15-17% क्रॉप में और गुड अर्थ हमारे गुड सॉइल बोलते हैं जिसको, वो हमारे खेती में काम आता है सर। ओके। और आरडीएफ है जो 700 डिग्री के ऊपर का जो क्लीन रहता है, जो सीमेंट प्लांट में यूज होता है। ओके। सीमेंट को पकाने के लिए। ओके। उसमें एनजीटी ने एक रूल बना रखा है कि आप कोयले के सब्स्टिट्यूट के रूप में इसको उपयोग कीजिए। ओके। तो यारे 3 टन आरडीएफ 1 टन कोयले के बराबर का सीवी होता है इसमें। ओके जी। और हमने आरडीएफ को फर्दर प्रोसेस में जैसे सिल्ट वगैरह और नमी कम आए उसके लिए एक नया सेटअप डाल रखा है जिसको ये आरडीएफ का सेकंड प्रोसेस हम करके और बेलेस्टिक और सेपरेटर यूज करके इसको बिल्कुल बारीक करके ये फ्यूल बना देते हैं जो कि ये सीमेंट कंपनियां हमसे ले लेती है सर। तो ये जो इनकम हो रही है जी, ये वापस किसके पास जाती है? सर ये तो एक तो सोशल रिस्पांसिबिलिटी पूरी कर रहे हैं हम। ओके। और दूसरा है इसमें अर्निंग सर कम है क्योंकि बंगाल से ट्रांसपोर्टेशन करीबन 2 रुपए per kg लगता। हाँ चलिए। सर ओल्ड डंप यार्ड से मीथेन गैस प्रोड्यूस होता है जो कि हार्मफुल रहता है। okay. जैसे आंख से आंसू आना। अच्छा। चक्कर घबराहट होना ये। अच्छा। और इससे सर सिटी को डेंगू मलेरिया फलेरिया और जितने भी बहुत सारे रोगों से निदान होता है सर। ओके सर जी। तो आपको मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप मेरे को एक एक मशीन के बारे थोड़ा सा डिटेल्स में थोड़ा बता दीजिए। जी जी बिल्कुल। हमारा पुजो लाना का पावर ट्रैकिंग मशीन है। ट्रैकिंग मींस ये ट्रैक पर चलता है। अच्छा। इसका वर्क जैसे यहाँ से अदर इन लोकेशन पर इसको ले जाया जा सकता है। ओके। कहीं भी। तो ये मूवेबल यानी कहने का मतलब यहाँ से कहीं भी इसको शिफ्ट कर सकते हैं। हाँ जी हाँ जी। ओके। और इसका जो ये पहला वाला बेल्ट है ये आरडीएफ गिराता है नीचे। अच्छा। और ये जो ये वाला बेल्ट है सेकंड वाला है ये इनर्ट गिराता है। अच्छा अच्छा। और जो सामने वाला बेल्ट है ये जो गुड अर्थ है गुड सॉइल है ये। गुड सॉइल है। जी जी। तो ये इसको हम क्या डायरेक्ट माने अपने खेत में यूज कर सकते हैं? हाँ सर। ओके सर जी। अच्छा सर। श्रेडर मशीन है सर ये आरडीएफ का जो अनइवन साइज है उसको इन्हें काट कर एक सेम साइज यानी बिलो 50 mm का साइज एक बना के देती है। ये अच्छा इसमें पूरा है ना एक साइज काट देती है। अच्छा। ये फ्यूल के रूप में काम आता है सीमेंट इंडस्ट्रीज में। ओके। तो ये सारी मशीनरी हमारे देश की ही है ना ये इंपोर्टेड है? ना 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 ये सब देश की है सर। अच्छा अपने देश की है। हाँ 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 सर। जो पुजो लाना मशीन है वो हैदराबाद का है। अच्छा। और ये शामली का है। अच्छा। ये एसएजी कंपनी का। अच्छा का। इस मशीन के बारे थोड़ा बताइए। ये बैलिस्टिक सेपरेटर है। ओके। इसमें जो पत्थर हैं और ईट का जो ईट पत्थर वगैरह। ओके। और साइकिल का टायर वगैरह जो भी है वो उस तरफ गिर जाता है। अच्छा ये जो हमारे ये देखिए जो ईटे है। हाँ, और ये सब सेग्रीगेट कर देते हैं ना? सब सेग्रीगेटेड कर देते। अच्छा। और जो इस मशीन को क्या बेसिकली क्या बोलते हैं? ये बैलिस्टिक सेपरेटर है। ओके सर। इसमें एक फैन लगा है। ओके। जो जो प्लास्टिक को ऊपर लेयर पर रखता है। अच्छा। और जो भारी चीजें हैं ये जो ये सब इस यहाँ से डिस्चार्ज हो जाती है ये। ओके ओके। इसको फिट करते हैं जो आरडीएफ है। हाँ। उसको हम यहाँ पर थोड़ा सा आरडीएफ करते हैं। इसको आरडीएफ कहते हैं सर। ये प्रोसेस करके रखा हुआ है। अच्छा। ओके। इसको हमने यहाँ पर है ना डंप करके इसको अच्छा, थोड़ा फैला के रखते हैं। अच्छा सूख जाए ना मॉइस्चर कम से कम हो जाए इसमें। जैसे 50% मॉइस्चर कंटेंट रहता है। हाँ? वो कम से कम 15% के तक रखते हैं। अच्छा। इसके बाद इसमें फीडिंग करते हैं। ओके। ये बेल्ट कन्वेयर बेल्ट के थ्रू। ठीक है। कन्वेयर बेल्ट के थ्रू इस 30 mm के ट्रॉमल में जाता है। अच्छा। ये ट्रॉमल सेग्रीगेट कर देता है। अब वो 30 mm का जो भी मटेरियल रहता है वो बेल्ट के थ्रू ऊपर वाले बेल्ट से अच्छा इस पर गिरता है। इस पर। अच्छा। यहाँ से ये पूरा लाइन है वो बैलिस्टिक में जाने का। अच्छा। पूरा कन्वेयर का लाइन है। अच्छा। और ये वहां जाती है। हाँ। और जो 30 mm के बिलो का मटेरियल रहता है सर वो इस कन्वेयर बेल्ट के थ्रू
ये ईनट के रूप में ही आ जाते हैं। ओके, हमारी जो सरकार बोल रही है आप घर में सूखा कचरा और गीला कचरा को अलग रखने के लिए जी, उसके बारे आप तो डिटेल्स में बताइए थोड़ा सा, क्योंकि बोलती है कि दो हमारे दो बकेट दिए हुए हैं, एक में बोलते सूखा रखिए एक में गीला रखिए। तो सर वो उसको सोर्स सेग्रीगेशन बोलते हैं। ओके, तो सेग्रीगेशन इसलिए जरूरी है सर कि जो गीला कचरा रहता है उसमें गुड अपना कंपोस्टिंग, गुड कंपोस्टिंग हो जाता है उसमें। अच्छा। और अपना बहुत बढ़िया खाद बन सकता है, और जो सूखा कचरा रहता है सर वो ऐसा के ऐसा ही हम है ना डिस्पोज कर सकते हैं। उसको फर्दर कुछ प्रोसेस रहता है, उसको प्रोसेस करके वो डायरेक्ट वो चला जाता है। तो हमको ये यहाँ इतनी मेहनत करने की और ये करोड़ों की मशीन लगाने का जरूरत नहीं रहता है, वो इजी वे में हो जाता है सर। जी, तो ये थे हमारे दीपक सोलंकी जी, जिन्होंने हमारे डिटेल्स में हमारे इस फील्ड के बारे में, इस प्रोजेक्ट के बारे में बताया। तो सोलंकी जी आपका धन्यवाद, और हमारे व्यूअर की तरफ से भी आपको धन्यवाद। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। एक वीडियो भी ले रहे। आप देख रहे हैं मेरे चारों तरफ कचरा ही कचरा, देखिए प्लास्टिक कचरा और ना जाने जितने भी हमारे घरों से निकला हुआ वेस्ट यहाँ पर जमा है वर्षों से। और ये देखिए ये गाड़ियाँ मैं आपको दिखा रहा हूँ, गाड़ी आ रही है जो ट्रैक्टर, वो हमारे घरों से इस कचरे को ले जाकर यहाँ पर आकर डंप करती हैं, और ये वर्षों से हमारे इस ग्राउंड पर जमा हो जाता है। तो ये डंपिंग ग्राउंड हमारे नेशनल हाईवे NH2 अभी फिलहाल NH19 पर के पास ही स्थित है, और मैं इस कचरे में धसा जा रहा हूँ, और बहुत ही गंदी सी महक आ रही है, शायद आपको नहीं आ रही है। ये देखिए हमारे पालतू जानवर किस तरह हमारे इस कचरे में आके फीड करते हैं, तो ये काफ़ी खतरनाक है हमारे ये पालतू जानवरों के लिए। और मैं चारों तरफ का एक बार फिर से दिखा देता हूँ, ये कचरे का अंबार, देखिए मैं पहाड़ पर खड़ा हूँ, इतना बड़ा ये वास्ट डंपिंग ग्राउंड है। तो ये लीजिए हम गुजर रहे हैं कचरे के चंबल घाटी से, और मेरे तरफ ऊंचे ऊंचे चंबल के ये पहाड़ जो कचरे में तब्दील हो गए हैं। दोस्तों हंसिए नहीं, ये भी चंबल घाटी के पहाड़ हैं जो कचरे के रूप में तब्दील हो गए हैं। और ये देखिए जो सॉइल में इसको मिक्स किया जाता है, ये सॉइल टाइप की कचरे को सॉइल में कन्वर्ट कर दिया गया है, और इसे खेत में इसे हम बखूबी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, और अपनी मिट्टी को उपजाऊ भी बना सकते हैं। ये देखिए प्लास्टिक और प्लास्टिक और प्लास्टिक, सिर्फ प्लास्टिक ही हमारे यहाँ पर है जो डिस्पोज नहीं होती, और ये देखिए इसका कोई भी डिस्पोजल नहीं है, तो किसी भी तरह इसे सेग्रीगेट करके इसे यहाँ डिस्पोज कर दिया जाता है। तो आप देख रहे हैं कितनी प्रकार की मशीनरी यहाँ पर लगी हुई है जिसे यहाँ पर डिस्पोज करने में काम आती है, और ये सारी मशीनें हमारे देश की ही है। आप देखिए सेज की मशीन है, और ये भी सेज की मशीन है, और वो भी हमारे देश की ही मशीन है हैदराबाद की, कोई भी इम्पोर्टेड टेक्नोलॉजी हमारे यहाँ नहीं यूज हुई है। तो चलिए अभी फिलहाल ये मशीनरी अंडर मेंटेनेंस है, तो ये अभी ऑपरेशनल नहीं है, नहीं तो मैं आपको ये ज़रूर दिखाता, क्योंकि तो इससे अभी ऑपरेशन होने में देरी लगेगी। तो दोस्तों ये था हमारे डंपिंग ग्राउंड के बारे में, मैंने आपको यहाँ पर डिटेल्स में आपको दिखाया, और हमारे दीपक जी ने आपको इसके बारे में समझाया और अपना इसका डिटेल्स के बारे में से बताया। तो दोस्तों इस कचरे का डिस्पोजल करना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है,
तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सूखा कचरा और गीला कचरा को सेग्रीगेट करके अपने घरों में इसे डिस्पोज करें, ताकि हमारा यहाँ पर जो इतना जो मेहनत लगती है इसे डिस्पोज करने में वो मेहनत ना लगे, वो इजिली हमारे यहाँ पर डिस्पोज हो जाए, क्योंकि वर्षों से पड़ा ये हमारा जो भंडार है कचरे का, ये एक बहुत ही बड़ा टास्क है हमारे सरकार के लिए, हमारे यहाँ कॉरपोरेशन की अथॉरिटीज के लिए। बस इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, कुछ नया एक्सप्लोर करते हैं, तब तक दोस्तों गुड बाय, जय हिंद।